कोड मास का फुल फॉर्म लगभग सभी जानते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन इधर साइड में हम देंगे, आप लोग इसका जवाब देना, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। अगर कोई दिक्कत होगा तो बता देना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। चलो ठीक ना, इसमें कोई समस्या किसी को अगर है तो बता देना। इसका मान कितना आएगा, कोई इसको हल करके बताए। ये पूरा दिख रहा है, हट तो नहीं रहा है ना, ठीक है। अंजलि दूसरा जी बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बस आप लोग क्लास पे ध्यान दीजिए। आकृति वर्मा जी गुड इवनिंग। अब इधर देखिए, समझिए, पी का मतलब यहाँ पर है ब्रेकट, ओके। ओ का मतलब है यहाँ पर ऑर्डर। देखिए ये चीज तो सेम हो सकती है, क्योंकि मैं सुबह जो पढ़ाया था उसमें भी इसमें भी ये ब्रेकट जो है ऐसे ही होते हैं। मझला कोष्ठक के बीच वाला ये बड़ा कोष्ठक है, ये छोटा कोष्ठक है। कोष्ठक कुल मिला करके लगभग मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं। सब कुछ सही आ रहा ना, कोई प्रकार की किसी को कोई समस्या कोई आफत तो नहीं हो रही ना। थोड़ा सा मुझे लग रहा है आवाज़ वगैरह में कुछ आज बात अलग होगी, वॉइस में थोड़ा चेंजिंग होगी। सही है सब कुछ। देखो डी का मतलब वही डिवीजन जो आप जानते हो पुराना वाला, यम का मतलब ये देखो मल्टीपल, क्योंकि हमें पढ़ाना तो स्टार्टिंग से है। ए का मतलब एडिशन, क्या होगा एडिशन। और यस का मतलब सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। ये होता है बोर्ड मास का जो फुल फॉर्म होता है, स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा है, आप लोग नोट कर लीजिए। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही हो जाएगा। चलिए क्लास अभी अभी शुरू हुई है, कोई लेट नहीं हुआ, सब टाइम से आए हैं। बस जाना नहीं, अगर मैथ सीखना है तो पूरा देखना। मैंने ये सवाल पूछा था, इसका जवाब कोई नहीं दिया। भाई आप लोग पढ़ने के उद्देश्य से आए हो ना, कोशिश कर लो ना यार, कोशिश करने में क्या जाता है, हाँ तो ट्राई कर लो ना। चलो देखो इधर साइड में, राज त्रिवेदी पीयूष, प्रतिभा केसरवानी बता रही कि -12 होगा, पीयूष बता रहे हैं कि भैया 12 होगा, अंकित भी बता रहे हैं 9 आएगा, राज त्रिवेदी का भी 9 आ रहा है और किसी का 18 भी आ रहा है। मतलब जितने लोग हैं उतने आंसर। सुबह की क्लास 5 बजे, सुबह 5 बजे, और जो गधों की तरह सोते रहते हैं 10 बजे तक, अलिच्छों अलसियों उठ जाया करो, समझ रहे हो ना, उठ जाया करो। अरे हम भी उसी में से हैं, हम भी कभी कभी लेट हो जाते, नहीं चलती, टेंशन ना लेना ज़्यादा, हम भी आपकी कैटेगरी के हैं। चलो देखो इधर साइड में, इसका आंसर कितना आएगा आप लोग एक बार कोशिश करके देखो। हमें पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें ब्रेकट्स, ब्रेकट्स के बाद तब ऑर्डर वाला। ऑर्डर का मतलब इसमें ऐसे आता, जैसे एक्स का स्क्वायर या फिर अंडर रूट में कोई नंबर है, इसका मतलब ये है। या फिर कहीं कहीं आता, जैसे मान लो अगर ऐसे आ गया 5 का 5/8, तो ये का ये भी इसी ऑर्डर का ही एक पार्ट है। तो कहीं कहीं बोर्ड मास रूल में ये सवाल भी आते हैं, अगर आप सीरीज से सारे क्वेश्चन देखोगे सिस्टम से तो ये भी आपको मिलेगा। एक बार हम आवाज चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़े। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें ब्रेकट्स, इसके बाद तब ऑर्डर वाला। ऑर्डर का मतलब इसमें ऐसे आता है, जैसे एक्स का स्क्वायर या फिर अंडर रूट में कोई नंबर है, इसका मतलब ये है। या फिर कहीं कहीं आता, जैसे मान लो अगर ऐसे आ गया 5 का, ठीक है, आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है। अब देखो इधर साइड में समझो, अब समझो, तो सबसे फर्स्ट टाइम में हम लोग कोष्ठक हल करेंगे, ब्रेकट वाला करेंगे। तो ब्रेकट इसमें देखो है कहीं, हाँ है, एक ब्रेकट वाला है, देखो मगर प्यार से देखो, दिख रहा है ना, देखो समझो। तो ये कोष्ठक वाला हल करेंगे, उसके पहले जितना भी जैसे है उसको वैसे लिखते जाएंगे, ये इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। ये 3 तक मैंने वैसे लिख लिया, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं किया। अब देखो आगे, अब ये प्लस का चिन्ह लगा, जुड़ जाएगा, तो भैया अगर ये जुड़ेगा तो 5 3 8। अब आप कहोगे का इसे लिख देंगे इसको हवा में, नहीं हवा में नहीं लिखेंगे, जहां पे कोई चिन्ह नहीं होता इस तरह से उस पे क्या मानते हैं पता है आपको? देखो बच्चा, इस पे गुणा का चिन्ह माना जाता है, मल्टीपल का साइन माना जाता है, ठीक है, ओके। तो इस पे क्या हो जाएगा, ये 8 और माइनस का 1 ऐसे हो जाएगा, बस हो गया ना। चलिए कोई और समस्या है तो बता देना, टेंशन मत लेना, सब कुछ ठीक चल रहा है ना। चलिए ठीक है, आवाज आ रही ना आप,
देखो बीच बीच में बंद हुई होगी थोड़ा सेकंड के लिए। चलो हाँ, तो अब क्या होगा, ये पहला हो गया कंप्लीट, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में देखो, फर्स्ट में क्या था हमारा, ब्रेकर था कोष्टक, कोष्टक इसमें से गायब हो गया, कोई कोष्टक नहीं है। उसके बाद ऑर्डर वाले पे आते हैं, यहाँ पे कोई स्क्वायर में है या कोई अंडर रूट में है, सभी जल्दी से बोलो यस या नो, क्या कोई इसमें स्क्वायर में है या अंडर रूट में है, जल्दी बताओ। तो अब क्या होगा, नहीं है ना, चलो कोई नहीं है इसमें, नो कोई भी नहीं है, तो यानी कि हमें ओ से कोई मतलब है नहीं। अब डी पे चलते हैं, डिवीजन, क्या इसमें कहीं भाग का चिन्ह लगा है? हाँ, भाग का चिन्ह लगा है, हाँ लगा है, ये लगा है। तो जितना अंडरलाइन कर रहे हैं हम, सबसे पहले इतना हल करेंगे। अगर हम 13 का भाग करें 169 में, यानी 13 से डिवाइड करें 169 को, तो 13 आएगा, बिकॉज जो 13 का वर्ग होता है वो 169 होता है। ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि नहीं, बताओ ये सही लिखा हूँ कि गलत? ठीक है ना, इसमें किसी को कोई मुसीबत नहीं ना, सब कुछ ठीक है। देखो आप समझो, इस तरह से क्या हो जाएगा, 13 कितना हो जाएगा, 13, ठीक है। चलो और बता देना अगर कोई दिक्कत होगी किसी को तो। चलो अब देखो, ये जितना मैंने अंडरलाइन किया था उसकी जगह पे 13 आ गया, बाकी सब ठीक है, बाकी कहीं कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है, पूरा वैसे लिख लेंगे। माइनस और ये 3 और ये गुणा का 8 जो भी था, माइनस का 1। देखिए जितने भी चिन्ह लगे हैं उतने लाइन में इसको हल करते हैं, बोर्ड मास का यही मतलब होता है। ये नहीं कि तुम एक के लाइन में खिचड़ी कर दो इसको सब एक के में, नहीं ऐसे नहीं हल करेंगे। अगर बोर्ड मास के रूल का हम पालन करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप करना होगा। जैसे देखो ये, अब ये 13 हमें पता है कि हमने भाग वाला कर लिया, अब गुणा है और घटाना है, दो ही चिन्ह लगे हैं, तो मल्टीपल जो होता है ये देखो, डिवीजन के बाद मल्टीपल, फिर सब्सट्रैक्शन, फिर एडिशन, मैंने उल्टा बोला ना, मल्टीपल के बाद एडिशन तब सब्सट्रैक्शन, तो इसमें कहीं एडिशन है नहीं, कहीं प्लस का चिन्ह है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये माइनस का चिन्ह ऐसे लगा देंगे, इसको गुणा कर लेंगे, तो 3 8 24 माइनस का 1। अब यहाँ पर एक समझने वाली चीज है, वो समझने वाली क्या है कि कुछ लोग क्या करेंगे, इन दोनों को घटाएंगे या जोड़ेंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं करना है, हमें ये करना है 13 ऐसे लिख लेंगे माइनस, हमें पता है आपकी क्या करेंगे, घटाना करेंगे। अब घटाना है कहाँ, जरा सोचो कहाँ है, अगर हम बोर्ड मास के रूल का पालन करें तो इसमें कहीं घटाना है, बताओ। अगर कहीं ऐसे कंडीशन मिलती है तो माइनस माइनस वाली गिनती जुड़ जाती है, प्लस वाली में कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो 13 को हम ऐसे लिख के इसको क्या कर देंगे 25, इस तरह से घटाएंगे, माइनस का 12 आएगा, कितना आएगा माइनस का 12। इसमें कुछ लोग और भी गड़बड़ कर रहे होंगे, इधर साइड में देखो, जैसे देखो भैया सभी के कमेंट्स हम नहीं पढ़ सकते हर समय, ठीक है, निवेदन है क्लास को, अगर सीखना है तो पूरा देखो, अच्छे से देखो, अभी बीच बीच में हम देखेंगे कमेंट सभी के आ रहे हैं। अभिषेक यादव जी आपका भी कमेंट आ रहा है, अमन कुमार आपका भी आ रहा है, सभी के कमेंट्स आ रहे हैं और हमें दिख भी रहे हैं। चलो देखिए, कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे एक चीज में, वो मैं यहाँ पे दिखा दूं। जैसे देखो बच्चा, ये 13 है माइनस का 24 है ना, ये इसमें इंक डाल दीजिए दोनों, ठीक है। अब देखो समझो, कुछ मिनट के लिए समझना, ये 13 है ना, दूसरी लाइन देखो, माइनस का 24 है माइनस का 1। इसमें कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, कहीं कहीं सही भी हो जाता है ये तरीका, लेकिन अक्सर ये गलत माना जाता है, गलत हो जाता है। जैसे अगर 13 से इसको घटा लो कहो, तो भैया 13 से घटाओगे कितना आएगा, आप सबको पता है कितना आएगा, 12 12 24 होता है, अगर 13 हो जाएगा तो 11 आएगा, माइनस का 11 माइनस का 1 बराबर, ये भी माइनस का 12 आएगा, यानी आप कहोगे यहाँ पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, मतलब वही हुआ ना। लेकिन बात ये है, हाँ बात ये है कि ये रूल जो है, अगर इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो हर जगह सही होगा, नहीं हो सकता यहाँ पे सही हो जाए लेकिन हर जगह ये सही नहीं होता है, समझ गए ना। तो आप लोग लिख लीजिए, आरती जी गुड इवनिंग, सभी के कमेंट आ रहे हैं भाई, करुणा पाल, कपिल पाल जी, सभी के आ रहे हैं, सभी के ठीक है। अब आप लोग समझ गए, जल्दी से बोलो यस, और जितने भी नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें, सुन रहे ना, पागल है यार। देखो इधर अगला सवाल, देखो अगला, देखो समझो,
चलो सर भी सुनो इसमें निकालो। चलो देखो आप समझो, अगला 1, 4 और 4। अब यहां पे समझना समझना, यहां पे समझना, ये डिवाइड बाई, देखो ये 14 है माइनस का 2 है और इनटू 5 है और माइनस नहीं है प्लस का 1 है। आप ये बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ पे दिख रहा है एकदम क्लियर ना, वोट मास का रूल यहाँ पर भी लगेगा। अब देखो समझो, इधर साइड में समझो। देखिए साथियों, हम लोग जानते हैं, अभी मैंने आपको वोट मास का सीरियल दिखाया था, कैसे सीरीज से हम लोग हल करते हैं। पहले पी यानी ब्रेकट, फिर ओ मतलब ऑर्डर, डी मतलब डिवीजन, बोर्ड हो गया, एम ए एस मल्टीपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एक एक अक्षर का एक एक मतलब होता है। ठीक है, अब देखो तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, इसलिए पहले हम बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न करेंगे, एकदम छोटे छोटे। देखिए अगर आपको छोटे छोटे क्वेश्चन आने लगेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे, मतलब अच्छे से पढ़ोगे और आप समझ पाओगे। कोई इसका उत्तर बताएगा जल्दी से, आप लोग ट्राई कर लो फिर हम बताते हैं। चलो अजय ठाकुर की कमेंट आ रहा है, ठीक है, कपिल, अमन, हेमराज, सभी के कमेंट्स आ रहे हैं। चलो ठीक है, फिर बताओ आप लोग। पीयूष, हरिओम, ठीक है, कमेंट आपका भी आ रहा है। किरण मौर्य, अमित, मैंने एक क्वेश्चन दिया ऊपर, आपको दिख रहा होगा हमारी खोपड़ी के ऊपर दिख रहा है ना, उसका जवाब दीजिए कितना आएगा। चलिए ठीक है ना, अब किसी को कोई समस्या कोई परेशानी नहीं ना। चलो अब देखो यहाँ पे समझो, ठीक है, जेपी यादव बता रहे 61 आएगा, विनोद चौहान का भी आ रहा है, अंजलि दुसत, दिलीप, बीरबल, अशोक। चलो देखिए बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले ब्रेकट हल करेंगे, पहले ढूंढेंगे बत्ती लेकर के कहीं इसमें ब्रेकट और एकट लगा है। लोगों को दिखता भी कम है, फरियार आ कि नहीं, बहुत सारी लैंग्वेज होती है, कुछ उर्दू है, कुछ भोजपुरी है, जो भी सुने वही बोल दे। चलो देखो इधर, तो ब्रेकट यहाँ पे लगा है, हम ब्रेकट तक पहुंचेंगे किसी तरह गिरते पड़ते, इसको वैसे लिख लेंगे जैसे है, 144 डिवाइड यानी भाग का चिन्ह वैसे लग जाएगा जैसे था। उसके बाद ये हम क्या करेंगे, हल करेंगे जो भी कह रहा है वो करने को, यानी 14 माइनस 2 आप सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, 12 आएगा, 12 आएगा, तो बच्चा ये 12 ऐसे लिख दोगे और इंटू ये 5 और ये माइनस का 1, अच्छा प्लस था, ठीक है, पहली लाइन हो गई, फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे देखो, अगला स्टेप देखो, यहाँ साइड में ब्रेकट हो गया, ब्रेकट के बाद अब क्या करेंगे, अब ब्रेकट अगर हो गया बच्चा तो ब्रेकट के बाद हम लोग करते हैं वो क्या करते हैं भाई, बी से मतलब हो गया खत्म, ऑर्डर वाला, इसमें कहीं वर्गमूल या कहीं स्क्वायर तो है नहीं, यानी हम सीधा फीधा आप किस पे आएंगे, भाग पर, जो हमें दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे भाग का चिन्ह है, गुणा का है, जोड़ने का है, तो भाग करेंगे ये। अब आप लोग जल्दी से एक बात बताओ, चुप्पे से बताना, कोई सुनने ना पाए, 12 जानते हो ना, 12 मतलब 12, 12 का स्क्वायर क्या होगा, चलो जल्दी से फटाफट देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। अरे भाई पढ़ लिख के भी आया करो, हाँ मोबाइल में घुसे रहते हो 24 घंटा, पढ़ते नहीं हो और करते क्या हो, भगवान जाने, या तो तुम जानो या तो तुम्हारा वो जाने, मतलब समझ गए ना। चलो अमन, आकांक्षा राजावत, एके मतलब उजमा, दिनेश, और कोई एनीवन, एक ही बार कमेंट करो भाई, अपना नाम ज्यादा रोशन करने के लिए दूसरे की नैया मत डूबो, इसलिए एक ही बार बताओ। आरती सिंह, नाम में आप काफी स्टाइल बदलती रहते हैं भाई, कुछ लोग ऐसे हैं, क्यों अपना जो कैरियर है ना उसको बदलिए, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, नाम तो हमारे मुख्यमंत्री जी भी बदल रहे हैं, समझ गए ना, कुछ लोगों को लगेगा ये तो एंटी नेशनल है, लेकिन कुछ बातें सही है जो बोलना चाहिए। चलो बात समझ में आ रहा ना, आगे बढ़े, ठीक है, बहुत अच्छे प्रकाश जी, बहुत अच्छे, हरिओम, रितु जी ठीक है, सही है, काजल, सौरभ, मृत्युंजय, आकृति वर्मा, योगेश, रामचंद्र सिंह, 144 आएगा, कितना आएगा, 144 आएगा, तो बच्चा हो अब तो तुम समझ गए होगे, मुझे बताना ही नहीं पड़ेगा, यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझो, हम जब 12 से इसको डिवाइड करेंगे जो इतना मैंने अंडरलाइन किया है, तो ये अंडरलाइन की जगह पूरा पूरा 12 आ जाएगा, 12, ठीक है,
बस अब क्या करेंगे, ये इंटू फाइव और प्लस वन इसको ऐसे लिख देंगे, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। अब क्या होगा, ये 12 5 60 भैया गुणा का चिन्ह जोड़ने का है, जितना अंडरलाइन किया इसकी जगह पे 60 हो जाएगा, प्लस का 1 इक्वल हो जाएगा 61। बस लिख लो 61 इसका आंसर आएगा। योगेश जी बहुत अच्छे भाई, बच्चे काफी मजा ले रहे हो तुम लेकिन बेटा। हाँ अजय ठाकुर, सुशील, मयूर अहेर, भाई नाम आप थोड़ा अजीब टाइप का है, मैं रोज बोलता हूँ ऐसा क्यों? आप पहले ये बताओ हो कहाँ से, मतलब तमिलनाडु से हो, उड़ीसा से हो, या कर्नाटका से हो, कहीं और से हो? क्योंकि मुझे ऐसा कुछ लग रहा है ये नाम हमारे यूपी बिहार वाले नहीं रखते। ठीक है भाई, यश टोप्पू, बच्चा तुम कहाँ से आए हो, धरती से आए हो कि चंद्रमा से आए हो कि मंगल से आए हो? टोप्पू जी कहाँ से आए हो? चलो देखो इधर समझो, ये हो गया, आप कर लो इसे, छाप लो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। देखो जल्दी जल्दी लिखते जाओ, कुछ ना कुछ कोशिश करते रहो, हाथ पैर पटकते रहो, मतलब ये नहीं करें सिर में लड़ा लो खोपड़ी फोड़ लो, ये नहीं बोल रहा हूँ, मतलब कोशिश करो कुछ। तो ऐसे मरीज की तरह देखते रहते हैं, कभी बार कमेंट ही नहीं करते, उनको शर्म लगती है, कमेंट कर देंगे तो बड़ी गंदी बात है। चलो इसको छाप लो, मैं इधर मिटाता हूँ, दिख रहा है ना उधर साइड में? अब इसमें दो पार्ट मैंने कर दिया, आधा साइड में एक क्वेश्चन होगा, आधा साइड में एक होगा। देखिए ये क्लास उनके लिए होती स्पेशली रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे से, जिनको मैथ नहीं आती है और वो सीखना चाहते हैं, क्योंकि दो तरह के प्राणी हैं, प्राणी मतलब स्टूडेंट में, एक है जिनको आता नहीं, वो सीखना चाहते भी नहीं है, बस हाँ पढ़ते हैं कुछ लाज शर्म के मारे, कुछ डर के मारे और कुछ दिखाने के लिए, और एक होते हैं जो अंदर अंदर घुटते रहते हैं, बहुत कोशिश करते हैं फिर भी नहीं आता है। तो ये क्लास उनके लिए होती है कि जो चाहते भी हैं लेकिन होता नहीं है, चाहत के बिना तो कुछ होता नहीं है, आपको पता है। हा? चलो देखो भाई, अब ज्यादा चाहत ना करो, इधर समझो क्वेश्चन, समझिए। 5/14 इंटू 98 प्लस कितना दूर दिखेगा, थोड़ा बड़ा दिखेगा ना, समझो प्लस, भाई क्वेश्चन बनाने तो नहीं, हल नहीं होगा, अगर ये कठिन हो जाएगा तो मुसीबत हमारे लिए हो जाएगी। हाँ हाँ ठीक है, 625/25, ये तो बड़ा अजीब टाइप का बन जा रहा है, बट छोटा है, चलो इतने कर लो, ठीक है इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। चलो जल्दी बताओ कितना आएगा। एंजल सिंह, ठीक है आएगा, बिल्कुल आएगा, जिनको नहीं आता वो बिल्कुल टेंशन न लें, कोशिश करते रहें, बिल्कुल कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती। कुछ लोग तो ऐसे आते हैं कॉमेडी देखने, देखो कॉमेडी कितना अच्छा कर रहा है। हाँ ठीक है, तुम कुछ भी देखो, जा की रही भावना जैसी और आगे हरी मूरत देखी ता तैसी, समझो। बोर्ड मास रूल के मैं मतलब रूल में मैंने बताया कि सबसे पहले हम लोग ब्रेकट हल करते हैं, ब्रेकट के बाद भाग वाला चिन्ह करते हैं, भाग के बाद गुणा करते हैं, गुणा के बाद जोड़ना, फिर घटाना, ना यही ना, ये दिमाग में बस जाना चाहिए आपके, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप आपके दिमाग में बस जाना चाहिए। जैसे आपको याद होगा कि मंडे के बाद ट्यूजडे आता है, वेडनेसडे आता है, थर्सडे आता है, सप्ताह का दिन तो याद है ना तुम सबको कि नहीं याद, सबको याद है कि नहीं बता दो। अरे वो जानते हो ना, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार, जानते हो स्टेप बाय स्टेप, जानते हो ना किसके बाद कौन आता है, ऐसा तो नहीं कि सोमवार के बाद शनिवार आ जाता है। तो बस वैसे यहाँ पे स्टेप याद कर लो बस, और कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, कोष्ठक वाला हल करेंगे, तो कोष्ठक तक चलेंगे, उसके पहले कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जैसे है वैसे लिखते चलेंगे, ये इसमें कोई चेंजिंग कहीं पे नहीं होगा। हमने इनको लिख लिया ऐसे इज्जत के साथ, इनको भी पूरे सम्मान के साथ यहाँ पे उतारा और इनको भी वैसे घसीट लिया। अब हम पहुंच गए यहाँ पे जहां पर हम ये अंडरलाइन कर रहे हैं, ये ठीक है, बस समझते चलो, पीछे वाला मत देखो अब आगे वाला देखो, यहाँ पे समझो। तो बच्चा क्या करेंगे हम, आप सबको पता होगा कि 25 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी बताओ। जब हम पढ़ा रहे थे कि बच्चा हो, भैया हो, बाबू हो, स्क्वायर याद कर लो, तब तो तुम्हारी नानी मर रही थी, याद नहीं किए, हाँ स्क्वायर नहीं याद किए, घन नहीं याद किए, आज इसी में खोपड़ी पटकोगे, कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए याद कर लो, अभी टाइम है। आप लोगों को कम से कम 30 तक का वर्ग और घन याद होना चाहिए, 30 तक का कम से कम, 430 आ रहा है,
विकास बता रहे 625, मोहम्मद साजिद, ठीक है, किरण मौर्य, पूजा, उज्मा, मयूर, राजकिशोर, सोनिया, प्रतिभा केसरवानी, दिनेश, अंकिता, अंतिम, काजल, हरिओम। बस हरिओम के बाद बचता है क्या? देखो समझो, तो ये होता है 625। इस तरह से इसको हम भाग करेंगे तो कितना आएगा बच्चा, ये आएगा क्या, ये 25 आएगा, क्योंकि 25 से जब 625 को भाग करेंगे तो 25 आएगा। अब बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो इसमें हम गुणा का चिन्ह लगा देंगे, लेकिन याद रहे यहाँ पे कोष्टक नहीं लिखेंगे, लगाएंगे नहीं। अगर कोष्टक लगाएंगे तो अकॉर्डिंग द रूल हम फिर यहीं पहुंच जाएंगे, इसलिए हम कोष्टक नहीं लगाएंगे इसमें। एक बार कोष्टक अगर हल कर दिया तो दोबारा कोष्टक नहीं आना चाहिए। तो कितना आ रहा है, 25 आ रहा है, 25। तो कुछ नहीं है तो मल्टीपल का चिन्ह होता है, गुणा का चिन्ह छुपा रहता है, समझ रहे हो ना। जैसे इंसान की शक्ल देख करके आप नहीं जान पाते ईमानदार है कि चोर है कि बेईमान है, मतलब वफादार है कि बेवफा है, शक्ल से तो नहीं लगता है, शक्ल से तो बहुत अच्छा लगता है, चाहे मेकअप किया है बिना मेकअप का है, लेकिन बाद में आपको मालूम चलता है, कुछ दिन बाद तब मालूम चलता है ना। वैसे ये क्या है, जहाँ पे कोई चिन्ह नहीं लगा वहां पे मल्टीपल का चिन्ह माना जाता है, गुणा का माना जाता है, जहाँ पे कोई चिन्ह नहीं होता, ठीक ना। यानी जब आगे प्रोसेस करोगे तब मालूम हो जाता है। अब इस तरह से क्या करोगे, अब इनको हल कर लो, यहाँ पे भी गुणा का चिन्ह है, यहाँ पर भी है, बस हो गया काम खत्म। सभी को समझ में आ रहा ना। चलो देखो इधर साइड में बच्चा, इनको काट दो, 14 7 98, 14 से बन जा 98 होता है। कुछ लोगों को टेबल है नहीं याद होगा, अब मैं उनके लिए कौन सी दवाई लाऊं अलग से। 14 7 98 होता है ना, और ये अब 5 × 7 बन गया, 5 7 35, इसको गुणा कर लो एक में, ये हो गया 35 प्लस ये 3, और 25 का 3 में गुणा कर लो बच्चा, तो 25 दिया हो जाएगा 75, जोड़ लो 5 5 10 हासिल 1, 7 3 10 1 11, 110 आ रहा है। इन गधों का तो 430 आ रहा था, कोनो कोनो तो इतने बड़े खच्चर हैं, उनका 400 से भी ज्यादा आ रहा था, मतलब हद है यार। चलो लिख लो, जल्दी से लिख लो, आगे बढ़ते हैं। नाबो, क्या नाम है भाई आपका, नाबेद, ठीक है, आ रहा ना समझ में। चलो देखो इधर, इधर देखो, समझने की कोशिश करो। अगर आपको मैथ नहीं आती है आप बिल्कुल भी निराश मत हो, ये गारंटी के साथ यहाँ पे इलाज होता है मैथ से पीड़ित छात्र छात्राओं का। भाई बाबा रामानी नहीं, हम प्रमाण पत्र नहीं देंगे गारंटी का, बस क्लास देखोगे उम्मीद हो जाएगी कि हाँ आएगी, समझ में आए बस। जो भी पढ़ाया जाए दिमाग उसी में लगाओ, और रेगुलर देखो रात के 9 बजे से और सुबह 5 बजे से। एक बार फिर से बोल दूं, अगर जिंदगी में कुछ करना है सुबह 5 बजे उठ जाना। आपको बताएं एक बड़ी बात, सुबह 5 बजे हम भी नहीं उठ पाते हैं, या फिर सुबह कोई भी नहीं उठ पाता ठंडी में। हम थे ना, अभी जो ठंडी का महीना बीत गया, हमारा एक दोस्त भी साथ में रहता था, वो भी बगल में ही लेटता था, हम मोबाइल में रिकॉर्डिंग करके उसमें लगाते थे, खुद को ही डांट टपट के कि लाइफ में कुछ करना वरना है केवल सोना ही है। और वो जब सुबह टाइम हो जाता था तो वही बात वो बोलता था फोन में, और दिमाग में वो सुनाई पड़ती थी तो मालूम चलता था कि हाँ शाम को खुद ही तो बोला था। फिर आँख खुल जाती है और तुम गाना लगा दिए, कौन सा, दिल ले गया, और आगे जान रहे हो ना, तो भाई तब तो मस्त हो गए तुम, गाना भी सुन रहे हो सो भी रहे हो। तो इसलिए अलार्म में कोई ऐसा कड़वा टून लगाओ, कोई ऐसी ऐसी बात लगाओ कि कोई अगला ना सुन ले, और जैसे बजेगा तुरंत उठ जाओगे, समझ गए ना। लेकिन अगर अच्छा वाला सांग लगा दिए तो फिर गड़बड़ है, समझ रहे हो कि नहीं। हाँ चलो ठीक है, मजे लेने वालों को भाई हाइड कर दो एकदम से, परमानेंट निकल रही है लोग, क्योंकि पढ़ने वाले है नहीं। चलो देखो इधर साइड में लिख लिए, कर लिए, चलो इधर आगे समझो। अमन कुमार बच्चा तुम्हारा ही नाम जपे क्या, कहो तो अगरबत्ती भी जला दे दो चार थी। हाँ देखो इधर समझो, आप लोग कर लोगे कि नहीं इस तरह के क्वेश्चन, पहले ये बता मुझे, कर लोगे ना, सभी लोग कर लोगे ना, मुझे उम्मीद है कि हर कोई कर लेगा। अब इसमें कुछ नहीं बचा है, अगली जो क्लास होगी वो थोड़ा टफ होगी, थोड़ा डिफिकल्ट होगी, उसका कुछ नमूना मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे। इधर देखो 158, यहाँ पे ये कोष्टक लगेगा, और डिवाइड बाई किससे, किसी से नहीं, यहाँ पे एक टिकेट और लगेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा 1414, एकरे पहले माइनस रहेगा, एक गेट यहाँ और लगेगा। समझने की कोशिश करना, ये बोर्ड मास रूल का अगला स्टेप का क्वेश्चन है, थोड़ा इसका लेवल हाई है, अभी तक जो किया उसके थोड़ा ऊपर है, ठीक है। समझो इधर साइड में बच्चा,
और जो ये घास पात कूड़ा करकट भूत प्रेत लगा के भेज रहे हैं साथ में ना, उनसे निवेदन है ये सब ना करें। जैसे मिस्टर मयूर जी कॉपी किताब ये पेड़ पालो जो भेज दे रहे हो ना, ये सब मत भेजो, यहाँ पे जगह काफी कम है। चलो 9 + 7 यहां से ये बंद हो गया, यहां से ये बंद हो गया। चलो अब बताओ, देखिए मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ, समझो। देखो बच्चा, जो कोष्ठक होता है ये, इसको बोलते हैं बड़का कोष्ठक, यानी ये बड़काऊ है, इनका नंबर सबसे लास्ट में आता है। और ये कोष्ठक कौन सा है देखो समझना, ये कोष्ठक नहीं बनता है, ये बड़ी मुसीबत है, इसको बनाने में बड़ी शर्म आती, जल्दी से ये बनता नहीं था, लेकिन ये तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस हो गया। इधर वाला तो बन जाता है, इधर वाला तो बिल्कुल एकदम अजीब टाइप का बनता है भाई, देखो नहीं बनाना। आप लोगों में से इसको कौन बना लेगा अच्छे से? देखो राइट वाला नहीं बनता, लेफ्ट वाला तो बन जाता है। ये ऐसे ही बनाया जाता है, ये लो सुंदर लग रहा है, ठीक है। ये मझला कोष्ठक है, ठीक है, और ये कौन है, ये छोटका कोष्ठक, इसे छोटा कोष्ठक बोलते हैं, इसे रेखा कोष्ठक बोलते हैं। देखो आपने एक चीज देखा होगा अपनी जिंदगी में, अगर आपके घर में भाई बहन है और भी, तो जो छोटा होता है उसकी लोग सुनते हैं, कहते हैं वो बड़ा, लोग उसको लाड प्यार करते हैं, बड़ा दुलारा होता है ना, सुने हो ना, कहोगे ये सब कहानी का है बता रहा बीच में, ये जरूरी है मैथ सीखने के लिए जरूरी है। देखो समझो कैसे, तो ये क्या है, छोटा है, ये सबसे छोटा है, तो इसको सबसे बड़ी प्राथमिकता मिलती है, मतलब ये बड़ा दुलारा प्यारा है। तो अगर कहीं ये सारे कोष्ठक एक साथ आ गए तो सबसे पहले ये हल करते हैं, ठीक ना, समझ गए ना। और अगर उससे भी थोड़ा बहुत प्यार बच गया तो छोटका वाले से जो बड़ा है उसको मिलता है, और अगर इससे भी बच गया थोड़ा छूटन उटन बच गया तो इसको मिलता है तीसरे नंबर पे, और लास्ट में जब सबसे बच गया अगर तो बड़के को मिलता नहीं, बड़का बेचारा वैसे रह जाता है, इसलिए घर में बड़ा होना भी गड़बड़ है, समझ गए ना। चलो वैसे हम मजले पे हैं, समझ गए ना, मतलब ना ज्यादा अच्छे में ना ज्यादा बुरे में, जो मिला वही संतोष। अब देखो इधर साइड में समझो, इसका मतलब मैंने क्यों बताया, मैंने इसको इसलिए बताया बच्चा कि अगर यहाँ पे अगर आप देखो तीन तरह के कोष्ठक हैं, तो सबसे पहले आप कौन करोगे, जल्दी बताओ कमेंट करके, सबसे पहले कौन करेगा, जल्दी करो फटाफट। ब्लॉक कर दिया क्या इसको, सुबह चलता है उसको बता दीजिए ना, सुबह 5 बजे चलता है, हाँ हाँ तो बता दिया करिए ना, अगर कोई टाइम पूछ रहा है तो क्या हाइड कर रहा हूँ, कमेंट पढ़ के तो किया करिए, फालतू के नहीं, लोग भाग जाएंगे, रिसियाएंगे, गुस्साएंगे, भाई स्टूडेंट ही तो हमारे बहुत ही अच्छे हैं, सब हमारे स्टूडेंट ही तो है ना भाई, किसी को भी कोई प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। चलिए सबसे पहले कौन सा कोष्ठक हल करेंगे, मैंने पूछा अभी, किरण मौर्य ने कहा स्मॉल कोष्ठक, डीके राज बोल रहे हैं छोटा, विकास भी बोल रहे हैं भैया छोटा वाला, अंकित गौतम छोटा, ठीक है लगभग सब जानकार हैं, ठीक है ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, सबसे अच्छे वाले बच्चे हो तुम। इधर देखो तो सबसे पहले छोटा कोष्ठक तक हम चलेंगे, छोटा कोष्ठक तक चलेंगे धीरे धीरे, इनको ऐसे लिख लेंगे 158, ये भाग का चिन्ह ऐसे ही रहेगा, और ये कोष्ठक ऐसे लगा देंगे जैसे लगा है, ये 14 को ऐसे लिख देंगे भाई, ये वैसे है जैसे किसी, आप बड़ी बिल्डिंग में गए हो और आपका काम जो है वो 10 फ्लोर वाली बिल्डिंग में है, यहाँ तो नहीं मिलेगा, ये मुंबई दिल्ली में मिलेंगी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, हाँ बाकी हमारे यहाँ लोग एक दो बनाते हैं बस, उससे ज़्यादा नहीं होता है, हाँ प्रयागराज की बात करें तो 4-6 फ्लोर वाली मिल जाएंगी सार में बस। तो आप क्या करते हो, जिस बिल्डिंग पर आपका काम है आप वहीं पर जाओगे सीधा ना, बाकी सब छोड़ते जाओगे, हर एक फ्लोर कहीं नहीं उतरोगे। तो वैसे क्या करना है, हमें इस बिल्डिंग पर चलना तीसरी वाली पे, तो हम इसको वैसे लिख लेंगे जैसे जैसे है, ये माइनस का चिन्ह वैसे लगा दिया, यहाँ तक मैंने लिख लिया, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं ना, ठीक है। अब समझो, अब हम पहुंच गए यहाँ, अब ये कोष्ठक खत्म हो जाएगा, 9 + 7 लिखा है, तो 9 में 7 ऐड करके बताओ कितना आएगा। अच्छा एक बात बताओ, इसका उत्तर कितना आएगा, सभी बच्चे बताओ फाइनल में इसका आंसर कितना आएगा, कितना आएगा जल्दी बताओ कितना आएगा, एक बार ट्राई करो, सेवेंटी नाइन बता रहा कोई, आदर्श यादव ठीक है,
मयूर जी भाई परेशान ना हो यार, ठीक ना? अब मुझे नहीं पता आप कौन हो। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इधर साइड में समझो, ये 9, 7, 16 हो जाएगा। अब ये कोष्टक खत्म हो जाएगा, लेकिन मझला कोष्टक अभी ऐसे लगा दोगे, देखो बड़ा सुंदर बन गया यार। ये तो बना रहा था तो नहीं बना, इसी को कहते हैं ना लक की बात होती है। देखो ये कितना अच्छा बना, ऐसे ही कोष्टक होता रियल में, लेकिन ऊपर देखो कैसे बना था गंदा गंदा। तो ये हो गया। और ये कोशिश करना कि कोष्टक इधर और इधर का बराबर रहे, ऐसा नहीं कि एक ठी छोटा हो जाए एक ठी बड़ा हो जाए। जैसे देखते हो कुछ लोग की शादी होती है, हाँ दूल्हा इतना बड़ा होता है, दुल्हन इतनी बड़ी होती है, ये थोड़ा सा कम अड़बड़ लगता है। हाँ देखो इधर, अब क्या करोगे भैया? जो बोर्ड मास का रूल कहता है वो तो ये कहता है, बच्चा क्या कहता है कि पहले भाग करोगे फिर जोड़ घटाना गुणा भाग करोगे, लेकिन इसमें सबसे पहला रूल कहता है कि सबसे पहले कोष्टक हल करोगे, कोष्टक में भी क्रम है। तो हम सबसे पहले अब ये मझला कोष्टक हल करेंगे। कौन सा करेंगे? मझला कोष्टक हल करेंगे। इधर समझो, 158 ऐसे लिख देंगे, ये डिवाइड का चिन्ह ऐसे लग जाएगा। अब भाई ये नहीं लगेगा, रुक जाओ एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ बच्चे, ये नहीं लगेगा ऐसे। अब ये घटाओगे दोनों, कितना आएगा? माइनस का 2 आएगा ना, कितना आएगा? माइनस का 2 आएगा, ठीक है? कितना आएगा? माइनस का 2। बस इसको कोष्टक में हम क्यों लिख रहे हैं, तो बड़ा अजीब टाइप का बन जा रहा है यार। देखो क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया था, इस वजह से हो सकता है इसमें आपको बड़ा अड़बड़ लगे। हाँ बड़ा अड़बड़ लगे हो सकता है ना। इसको आप 2 से भाग कर लो, कितना आएगा भाई? इसका आधा कितना होगा? 2 7 14 2 9 18, माइनस का 79 आएगा। लेकिन यहाँ पे ये बड़ा अजीब सा दिख रहा है ना, बहुत अलग सा दिख रहा है ना। अब यहाँ पे मजबूरी में ये कोष्टक लगाना पड़ेगा, जबकि बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग तो ये अलग टाइप का है ना। देखो इधर साइड में, आप समझ रहे हो कि नहीं भाई? पीटी जिसका नाम है, बच्चा निवेदन है आपसे, विनम्र निवेदन है कि कमेंट ना करिए फालतू का, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तुम काहे सजेशन दे रहे हो किसी को? हाँ किसी का नाम लेके कोई कमेंट नहीं करेगा, पढ़ना चुपचाप पढ़ लो, नहीं पढ़ना जाके कोई काम करो, फालतू तो डिस्टर्ब ना करो, भीड़ बटोरने की जरूरत नहीं है। हाँ जिनको वास्तव में पढ़ना है सीखना है वो आए सीखे, उनका स्वागत है, और जो फालतू की इधर उधर की नौटंकी करना है जिनको, उनकी यहाँ बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो और कोई काम देखे, जिंदगी बहुत अभी आगे भी ले चलनी है ना। चलो लिख लिए, और हमें लग रहा है कि इसको अब हर कोई कर लेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें ज्यादा हाई लेवल के आज क्वेश्चन और भी करवा देंगे इस तरह के, तो आप लोग गड़बड़ाने लगोगे। और हाँ ये क्वेश्चन अगर हम पहले से बनाए रहेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, नहीं तो ये मुश्किल भरे बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम क्वेश्चन जब तुरंत बनाते हैं ना तो क्वेश्चन कठिन हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं, कई तरह के हो जाते हैं। हाँ या फिर कहीं अगर मिल गया इकट्ठा ढेर सारे क्वेश्चन तो उसको करवा देंगे, अच्छा रहेगा, ठीक है? अब देखो इधर साइड में समझो, इस तरह के सारे सवाल आप लोग कर लोगे ना, अब बोर्ड मास रूल का क्वेश्चन आज नहीं करवाएंगे, इसके बाद फिर से करवाएंगे। एक क्वेश्चन आप लोग बता दो परसेंटेज का, ठीक है? चलो क्या रॉन्ग है? एके जी बोल रहे हैं रॉन्ग है भैया, रॉन्ग क्या है? हाँ क्या रॉन्ग है, कहाँ से रॉन्ग है, कुछ गड़बड़ है? चलो जो भी है इसको छोड़ो, ये क्वेश्चन भी मुझे लग रहा है अजीब टाइप का था, इसको हम करवाएंगे बाद में, जो भी है ये इसका। हाँ आंसर फिलहाल इसका आ गया है, ठीक है आंसर आ गया, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा अजीब टाइप का बन गया था, मतलब अड़बड़ टाइप का बन गया था। अब परसेंटेज में आप लोग कुछ बता दो, उसके बाद फिर हम बंद करते हैं, चूंकि कुल मिला के रिविजन करेंगे, बस रिविजन करेंगे, जो पढ़ लियो हो उसी को थोड़ा सा रिवाइज कर लो, क्योंकि अपने से तो कभी करोगे नहीं, तो परसेंटेज का बताना बाद में। पहले ये बताओ इधर साइड में, ये बताओ क्या है वो, ये बताओ क्या बोलते हैं उसे, एंगल के बारे में बात कर रहे थे, 165, 165 अंश का कोण है, तो ये किस प्रकार का कोण है आप बताओ, जल्दी से नाम बताओ इसका, ये अधिक कोण है, न्यून कोण है, या बृहत कोण है, या फिर ये कंप्लीट एंगल मतलब संपूर्ण कोण है, बताइए, जवाब दीजिए फटाफट बताइए। बोलो तिवारी, अमरेश, फटाफट सभी बताओ, जितने बच्चे हैं सभी जल्दी करो, ट्रायंगल वाला मैं पढ़ाया हूं पहले से,
किस प्रकार का एंगल है ये? ऑब्ट्यूस एंगल है भाई, किरण मौर्या बता रही। और कोई एनीवन? और कोई एनीवन? नहीं पता, जिनको नहीं पता वो बोलेंगे हमें नहीं आता, या फिर नो लिख के कमेंट कर सकते हैं, या नो, ओ नो। देखिए जो एंगल है इसका मैं कंसेप्ट आपको बताया था ना, ये किस तरह का है पता है आपको? अधिक कोण 91 से शुरू होता है ना, मतलब समकोण के बाद जो अगला स्टेप आता है अधिक कोण का आता है, 91 से शुरू होता है, 179 पे एंड होता है। तो हम आपको सिर्फ और सिर्फ एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिखाएंगे। अधिक कोण ये बच्चा होता है 91 से लेकर के और 179 तक। तो अगर इसके बीच में कोई एंगल आता है तो वो सब अधिक कोण होंगे, जिन्हें ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस, ऐसे होता ना इंग्लिश। आकृति वर्मा, नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा, अच्छी बात है, लेकिन आप पढ़ लेना, पीछे मैंने कई क्लास में पढ़ाया है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो ये गड़बड़ है, आप जरूर पढ़िए। अच्छा एक बात और बताओ, 180 ये किस प्रकार का कोण है? आप लोग सिर्फ यस या नो में जवाब दो, क्या ये अधिक कोण है? बोलो यस या नो, क्या 180 अंश का कोण अधिक कोण है, यस या नो? अधिकतर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। संध्या मिश्रा जी, आप पढ़ रहे हैं इसलिए कमेंट नहीं आ रहा, ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ाई करिए, कमेंट मत करिए, पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। नहीं जल्दी काहे बज गया ये? चलो अनुष्का, ठीक है, अमन, अमन बच्चा एक ही बार करो बाबू, ठीक है, एक ही बार करो तुम, एक ही बार यस या नो बोलो, क्या ये अधिक कोण है, यस या नो, यस या नो? देखिए बहुत से बच्चे नो बोल रहे हैं, कुछ यस भी बोल रहे हैं। गोलू कुमारी, गोलू कुमारी भैया नहीं, गोलू ये कुमार है लेकिन ये लग रहा मिस्टेक से किए हैं, और एक जुड़ी है गोल्डी कुमारी, ठीक है, भाई साहब, भाई साहब इनका नाम है, हम इनको ऐसा नहीं बोल रहे हैं। चलो देखिए, जो हमारी क्लास देख चुके हैं उनको पता है, जो नहीं देखे उनको नहीं पता है, बच्चा हो भैया हो बाबू हो इधर देख लो जरा दिमाग लगा के। अधिक कोण का जो एरिया है इसका 91 से शुरू होता है, 179 पे खत्म हो जाता है। तो गधों खच्चरों 180 कहां अधिक कोण में आता है? हाँ ये कहा जाता है कि 90 और 180 के बीच के कोण अधिक कोण होते हैं। 90 और 180 के बीच का मतलब ये हुआ कि 91 से 179 तक। तो ये रिजु कोण है, क्या है ये रिजु कोण है, रिजु कोण, या फिर इसे स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, आप इंग्लिश में समझो क्योंकि इसकी हिंदी मुझे कंफ्यूज करती है, इंग्लिश इसकी आसान है, कहीं कहीं हिंदी आसान होती है, कहीं इंग्लिश आसान होती है, तो इसे स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। गीता साहू, ठीक है अच्छी बात है, आप लोगों को पता है ये क्लास डेली 9 बजे से लाइव होती है, बिल्कुल फ्री यूट्यूब पे लाइव होती है प्रत्येक दिन रात 9 बजे से, भूलना नहीं अगर मैथ सीखना है तो ये किस तरह का कोण है? स्ट्रेट एंगल है, ये अधिक कोण नहीं है, जो अधिक कोण बोल रहे हैं उनका गलत है, ये अधिक कोण नहीं है, क्योंकि अधिक कोण 179 पे खत्म हो जाता है 179 पे, इसलिए आप लोगों को याद रहना चाहिए, ठीक है। चलो इधर साइड में आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा एक बात ये बताओ, एक बात ये बताओ, क्या 180 अंश का कोण यूनिक एंगल है, मतलब अद्वितीय कोण है नाम की दृष्टि से अगर देखा जाए, वो मतलब कैटेगरी, हाँ क्या ये यूनिक कोण है कि नहीं? यहाँ पर हमारा कहने का एक ही तात्पर्य है कि ये जिस प्रकार का कोण है, मतलब जो भी है, अधिक कोण है, न्यून कोण है, सम कोण है, क्या एक ही होता है कि और भी ढेर सारे होते हैं? कुछ लोग तो हमारा मतलब नहीं समझ पाए होंगे, है ना, कुछ लोग हमारा मतलब नहीं समझ पाए होंगे। भाई देखो बच्चा, सोहेल खान नंबर दिया गया स्क्रीन पे ना, उस पर संपर्क करो, यहाँ पे मुंह बनाओगे तो निवेदन है कि आपको ब्लॉक भी किया जा सकता है, हाँ समझ रहे हो ना, कोई चीज करने से होता है, मुंह बनाने से कुछ नहीं होता है। तो 180 अंश का जो कोण है ये स्ट्रेट एंगल होता है, या फिर इसे रिजु कोण बोलते हैं, ये सिर्फ एक ही होता है, रिजु कोण जिसे बोलते हैं या स्ट्रेट एंगल, वो एक ही होता है। 180 अंश का कोण एकदम सीधा बनता है लाठी जैसे, इसके अलावा और कोई भी ऐसा एंगल नहीं है जो सीधा बने ऐसे, कोई भी ऐसा कोण नहीं है, नो, यानी ये क्या है, एक प्रकार से ये अद्वितीय कोण है अगर कैटेगरी की दृष्टि से देखा जाए तो, मतलब इसके जैसा और कोई दूसरा एंगल नहीं है, समझ गए ना।
अब चलो आगे बढ़े। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, और ये मैं वैसे पहले पढ़ाया भी हूँ, अब फालतू का दिमाग पकाने से क्या मतलब है। आप लोग पिछली क्लास जरूर देख लें, ठीक है, पिछली क्लास जरूर देख लें। ये तो क्लास खत्म हो रही थी, मैंने इसका रिवाइज करवाया, बाकी आज का जो टॉपिक था वो बोर्ड मास का रूल था। जो अगर सिस्टम से हम लोग बात करें सिक्वेंस वाइज क्लास, तो आज बोर्ड मास का रूल था। तो आज की ये क्लास यहीं पे खत्म होती है। अगर आप अभी अभी जुड़े हैं तो जैसे खत्म होगा लास्ट में दिखेगा आपको वॉच रीप्ले, वॉच रीप्ले पे क्लिक करके आप दोबारा से प्ले करके देख लेना, ठीक है। कुछ लोगों को दिखता ही नहीं आंख में, उनके कुछ गड़बड़ी हो गई है, स्क्रीन पे नंबर ही नहीं दिख रहा है इनको। हाँ हमें दिख रहा है, नंबर कमेंट कर दीजिए आप, ठीक है। इधर देखिए, समझिए, आज का ये क्लास खत्म होता है। अगर आप इस क्लास को यानी पूरा कंप्लीट मैथमेटिक्स 30 से 45 दिन में सीखना चाहते हैं, मतलब कम समय में पूरा पढ़ना चाहते हैं, एक साथ पूरा कोर्स मिल जाएगा, तो आप हमारी प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब पेड वाला कोर्स को ले सकते हैं। उसके लिए आपको एक काम करना है, ये नंबर पर आपको ज्वाइन पेड लिख करके व्हाट्सअप करना है। और ध्यान रहे कि जिनको ये क्लास लेना है उनसे निवेदन है सिर्फ वही मैसेज करेंगे, अन्यथा आप लोग यही यूट्यूब पे डेली पढ़ते रहो और बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, ठीक है। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल फ्री है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना बिल्कुल फ्री है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप निसंकोच कर सकते हैं। सुबह की क्लास फिर से होगी, सुबह की क्लास कब होगी, सुबह 5 बजे से, सुबह 5 बजे से जिनको पढ़ना है सभी आएंगे, क्योंकि अलग टॉपिक होता है सुबह 5 बजे, याद रखना, ठीक ना। दोनों में अंतर होता है क्लास में, अगर ईमानदारी से सीखना है और फ्री पढ़ना है तो सुबह 5 बजे जग जाना, जग जाना सुबह 5 बजे। देखो ये हो गया, हाँ, बाकी जिनको पूरा कंप्लीट यूट्यूब पे पढ़ना है और वो कह रहे नहीं बड़ी कमाई कर रहे हो और हम ये करने नहीं देंगे, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हम फ्री पढ़ेंगे, तो वो इस नंबर को ले लें, इस पर चैनल को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीन शॉट भेज दें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, उसका स्क्रीन शॉट लें और उसकी फोटो इस व्हाट्सएप पे भेज दें नीचे वाले पर, वो फ्री क्लासे देख सकते हैं घर बैठे, लेकिन ये जरूर करें आप लोग, ठीक ना।